हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक डिज़ाइनर लॉन्ग गाउन। ऐसी और डिज़ाइनर ड्रेसेस की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 3 मीटर सीक्वेंस वर्क फैब्रिक, जिसे मैंने हाफ में फोल्ड कर इस तरह से बिछा लिया है। अब हम ऊपर की पॉइंट से इसमें वेस्ट साइज की मार्किंग करेंगे। यहाँ मेरा वेस्ट साइज है 32 इंच, जिसका फोर्थ पार्ट हुआ 8 इंच। तो यहाँ मैं ऊपर के पॉइंट से हर तरफ 8 इंच पर मार्क कर लूंगी। इस तरह से ऊपर के पॉइंट पर इन स्टेप को रखकर हर तरफ घुमाते हुए मैं 8 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लूंगी। अब हम वेस्ट लाइन से स्टेप रखते हुए नीचे की तरफ स्कर्ट की लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ मेरी स्कर्ट की लेंथ है 42 इंच, तो यहाँ मैं 42 इंच पर मार्क कर लूंगी। अब हम ऊपर के पॉइंट से अपनी मार्क की हुई लेंथ साइज को नाप लेंगे और फिर इसी साइज पर हर तरफ मार्किंग कर लेंगे। हम इंच टेप को इस तरह से घुमाते हुए इसी साइज पर पूरी स्कर्ट की लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। अब हम मार्क की हुई लाइन पर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। स्कर्ट की लेंथ की कटिंग के बाद अब हम इसकी वेस्ट लाइन की कटिंग कर लेंगे। अब हम साइड लाइन से कटिंग कर स्कर्ट के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। अब हम गाउन के टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हम फैब्रिक को हाफ में फोल्ड कर इस तरह से बिछा लेंगे। अब हम टॉप की लेंथ की मार्किंग करेंगे, जो कि मैंने की है 16 इंच। अब हम 7 इंच पर शोल्डर लाइन की मार्किंग करेंगे और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम 7.5 इंच पर आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसमें चेस्ट साइज की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए हम चेस्ट साइज का फोर्थ पार्ट लेंगे और उसमें 0.5 इंच प्लस करेंगे। यहाँ मेरा चेस्ट साइज है 32 इंच, जिसका फोर्थ पार्ट हुआ 8 इंच। उसमें 0.5 प्लस कर हम 8.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम स्टिचिंग मार्जिन रखेंगे। अब हम इसमें वेस्ट साइज की मार्किंग करेंगे। यहाँ हम वेस्ट साइज का फोर्थ पार्ट लेंगे और उसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि 2 इंचेस के हम इसमें डार्ट स्टिच करेंगे। अब हम वेस्ट लाइन से 4 इंच पर एक मार्क ड्रॉ करेंगे और उस मार्क से ऊपर की तरफ 6 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लाइन के दोनों तरफ 1-1 इंच पर मार्क ड्रॉ करेंगे और उन मार्क को उस लाइन के पॉइंट से मिलाते हुए जोड़ लेंगे। ये पॉइंट हमारा शोल्डर से 10 इंच पर होगा, जिस पर हम बाद में पैड अटैच करेंगे। अब हम आमूल को शेप देने के लिए आमूल के पॉइंट से 1 इंच आगे की तरफ निशान लगाते हुए इसे सर्कुलर शेप दे देंगे। अब हम ऊपर की तरफ से 7 इंच पर एक मार्क ड्रॉ करेंगे और उस मार्क को सर्कुलर शेप देते हुए इस तरह से आमूल तक जोड़ लेंगे। अब हम मार्क की हुई लाइन पर इस तरह से कटिंग कर देंगे। साइड की कटिंग होने के बाद हम चेस्ट लाइन पर ड्रॉ की गई इस लाइन की भी कटिंग कर लेंगे। टॉप की कटिंग होने के बाद बचे हुए ऊपर के इस पार्ट की कटिंग अब हम नेट पर करेंगे। नेट फैब्रिक को डबल में फोल्ड कर हम इस पार्ट को इस तरह से उस पर बिछा लेंगे और इस शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे।
अब हम इसके टॉप पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम कटिंग किए हुए नेट पार्ट पर फ्रंट साइड गले की स्टिचिंग करेंगे। मार्क की हुई लाइन पर स्टिचिंग करने के बाद हम इस तरह से इसे शेप में कटिंग कर लेंगे। कटिंग के बाद हम इस तरह से छोटे छोटे कट लगाकर इसकी कटिंग करेंगे और फिर इसके एक लेयर को फोल्ड कर लेंगे ताकि ये स्टिचिंग लाइन अंदर की तरफ चली जाए और फिर इसके कॉर्नर पर एक फाइनल स्टिचिंग करेंगे। अब हमारे फ्रंट साइड नेक की स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम अपने टॉप पार्ट में बीच में इस तरह से छोटा सा कट लगाएंगे और इसके एजेस को अंदर की तरफ मोड़ते हुए फिनिशिंग कर लेंगे। यहाँ हमने इसके फ्रंट साइड एजेस की फिनिशिंग कर ली है। अब नेट वाले पार्ट को इसमें स्टिच करते हुए इस तरह से जोड़ लेंगे। अब हम इसमें दोनों तरफ मार्क की हुई डॉट लाइन पर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब हम इसके इनर फैब्रिक में डार्ट की स्टिचिंग करेंगे। सेम तरीके से हम इसमें दोनों साइड डार्ट की स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड डार्ट की स्टिचिंग होने के बाद हम डार्ट के अपर पॉइंट पर पैड अटैच करेंगे। अब हम दोनों साइड के पैड को मिड में से पिन लगाकर इस तरह से सेट कर लेंगे ताकि आसानी से स्टिच कर सके। अब हम सेट किए हुए दोनों पैड को इस तरह से मशीन से स्टिच कर लेंगे। दोनों पैड्स को स्टिच करने के बाद हम मिड में लगाई हुई पिन को हटा लेंगे। अब हम इनर फैब्रिक को टॉप पर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब हम टॉप के बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम फैब्रिक पर मार्क की हुई लाइन पर इसके गले की स्टिचिंग करेंगे। और इस तरह से इसे इसी शेप में कट कर लेंगे।
गले की शेप कट करने के बाद हम इस तरह से छोटे छोटे कट लगाकर इसकी एक लेयर को फोल्ड कर लेंगे ताकि स्टिचिंग लाइन अंदर की तरफ चली जाए और फिर इस पर एक फाइनल स्टिच करेंगे। अब हम नेट पर नीचे की तरफ इस तरह से सीक्वेंस फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। सीक्वेंस फैब्रिक को स्टिच करने के बाद हम इस तरह से इनर फैब्रिक को भी स्टिच कर लेंगे। अब हम टॉप की नीचे वाली साइड पर नेट की डबल लेयर के 2 इंच के कट्टे स्टिच कर लेंगे। ये हम टॉप के दोनों साइड्स पर अलग अलग स्टिच करेंगे, फ्रंट और बैक। यहाँ हमने टॉप के दोनों पार्ट पर नेट के पट्टे को स्टिच कर लिया है। अब शोल्डर लाइन से हम दोनों टॉप के पार्ट्स को स्टिच कर लेंगे। टॉप के दोनों पार्ट को शोल्डर लाइन से स्टिच करके जोड़ने के बाद अब हम इसमें नीचे की तरफ स्कर्ट वाले पोर्शन को स्टिच कर लेंगे। अब हम टॉप के दोनों पार्ट पर स्कर्ट वाले पोर्शन को नीचे की तरफ से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से पहले हम टॉप के फ्रंट साइड वाले पोर्शन पर स्कर्ट के पोर्शन को स्टिच कर लेंगे और फिर बैक साइड पर स्कर्ट के पोर्शन को भी स्टिच कर लेंगे। अब हमने टॉप के दोनों साइड पर स्कर्ट वाले पोर्शन को नीचे की तरफ स्टिच कर लिया है। अब हम इसको साइड से स्टिच करते हुए गाउन को फाइनल लुक देंगे। हम साथ ही स्कर्ट के नीचे वाले पोर्शन पर पीको करके फिनिशिंग कर लेंगे।